stage with a big clap for the gentlemen. Woohoo! हेलो कैमन आज सबाई थैंक यू सो मच और आमी एटा एकदम एक्सपेक्ट करिनी एई स्माइली वाला फेस गुलो एटा जस्ट आमार काछे ड्रीम कम ट्रू एंड आमी एटा आशा करिनी एटा आमाके देयार जोन्नो एंड ये मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको And really, thank you, and thank you so much, Dil se. You are already, already here. Thank you. So let's welcome the speaker. Over to you. Thank you so much. Okay, चलिए start करते हैं आज का जो यहाँ का सबसे पॉपुलर सेशन होता है बंगाली ब्राइड वो ही और ये सबके लिए है मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छे से ये आपको सिखा सकूं तो स्टार्ट करते हैं बिका मेरे जाति से जो था किशन स्कूल को बस स्कूल को बस स्कूल को बस स्कूल से कुछ नहीं सुनी ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूं फेस पे फेस क्लीन है और मुझे यूज करना है एक मिस्ट चाहे समर हो या विंटर हो एक मिस्ट आप लोग यूज कर सकते हो मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का ही मिस्ट और ये सारा प्रोडक्ट आपको यूरोप गर्ल के स्टोर से ही मिल जाएगा अब यूज करेंगे हाइड्रा फिक्स मेकअप प्राइमर ये मॉइस्चराइजर भी है और प्राइमर भी है ये दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हो इससे दोनों का काम एक साथ हो जाएगा मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का हाइड्रा प्राइमर और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगा यूरोप गर्ल का EG034 मैं ब्रश यूज कर रहा हूं EG034 कोई भी प्रोडक्ट हो कोशिश कीजिएगा सब कुछ स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम देना पड़ता है क्योंकि बाद में ये पील ऑफ हो सकता है तो ट्राई कीजिएगा अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए फेस पे कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो बाबा चल और मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये है यूरोप गर्ल का फाउंडेशन जो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और कवरेज सबसे अच्छा है पैलेट कवरेज सबसे अच्छा है तो मैं इसके फेस फेस के ऊपर यूज करूंगा यूरोप गर्ल का 0.6 फाउंडेशन आना तो हबे व्हाइट फाउंडेशन आना तो हबे इसके साथ मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का फाउंडेशन M2 यूरोप गर्ल का फाउंडेशन M2 मैं बस ये थोड़ा सा
मिक्स करूंगा इनके फेस के लिए। इनके फेस पे वैसे तो कोई दाग नहीं है या कोई डार्क सर्कल नहीं है, तो अलग से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। कंसीलर ब्रश, मैं जो ब्रश अभी यूज कर रहा हूं इसका शेड नंबर है EG069 ब्रश का नंबर है। गर्म लग जाता हूं ब्लेंड करने के लिए, मैं यूज कर रहा हूं यूरोगल का EG047। ये फाउंडेशन ब्रश है जो काबुकी ब्रश नाम से जाना जाता है। ये फाउंडेशन ब्रश मैं यूज कर रहा हूं ब्लेंड करने के लिए। मैं ब्रश इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि पोर तक फाउंडेशन चला जाए, जो भी फाउंडेशन मैं यूज कर रहा हूं वो पोर तक चला जाए और एक हाई कवरेज इफेक्ट डाल सके फेस पे। इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो मैं एक फेयर कॉम्प्लेक्शन तो मैं एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से एक कंसीलर अप्लाई करूंगा जो है यूरोप गर्ल का ही कंसीलर, जो है यूरोप गर्ल का कंसीलर। फेस पे जो सिर्फ हाइलाइटेड एरिया है सिर्फ वहां पे ही करना है। मुझे ये फिक्स करना है, मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का ट्रांसल्यूशन पाउडर EG020 यूरोप गर्ल का ट्रांसल्यूशन पाउडर EG020। मैं ये सेट करूंगा, मैं यूज कर रहा हूं सेम ब्यूटी ब्लेंडर सेट करने के लिए। कॉम्पैक्ट এটা কিছু স্ক্যান এখানে আছে খুব সামনে এটা সারা
अब मैं यूज कर रहा हूँ यूरोप गर्ल का परफेक्ट टिंट एचडी पाउडर, परफेक्ट टिंट एचडी पाउडर, सिर्फ कुछ एरिया फिक्स करने के लिए ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब मैं वही कंसीलर यूज करो एज अ आई बेस, एज अ आई बेस सेम कंसीलर जो मैं फेस पे यूज किया था वही सेम कंसीलर, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आप एज अ आई बेस कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए। आप ज्यादा कंसीलर यूज करोगे तो प्रॉब्लम यही होता है कि बाद में उसका पील ऑफ होता है और एक एक जगह पे वो हट जाता है या बहुत ज्यादा ग्लिटर यूज करने से उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत कम कंसीलर अप्लाई करना है एज अ आई बेस कंटूर। मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का कंटूर किट, कंटूर किट। मैंने क्रीम कंटूर नहीं यूज किया है, मैं सिर्फ पाउडर कंटूर यूज कर रहा हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा लाइट कंटूर क्योंकि इसका कम्प्लेक्शन फेयर है मॉडल का, तो मैं लाइट कंटूर यूज कर रहा हूँ। और मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ यूरोप गर्ल का EG039। सेम ब्रश से ही नोज कॉन्टोर फेस कॉन्टोर सब कुछ एक साथ हो रहा है। अब मैं कॉन्टोर को थोड़ा अंदर तक ऐड करूंगा ताकि मैं कोई भी आई शेडो अप्लाई करूं वो यहां पे आके ब्लेंड हो जाए। बेसिकली ये ब्लेंड होना चाहिए सामने आके, ये ब्लेंड हो जाए इधर आके 48 पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा व्हाइट होके रखता है, व्हाइट हो जाता है कंसीलर या फाउंडेशन की वजह से। ओके, मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का आई शेडो पैलेट। ओके, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, मैं यूज कर रहा हूं दिस वन, ये वाला कलर मैं पिक कर रहा हूं। मैं यूरोप गर्ल का स्मॉल आई ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रहा हूं जिसका नंबर है EG051। आउटर एरिया से इनर एरिया तक, लेकिन जितना इनर एरिया में आएगा कलर उतना फ्रेड हो जाएगा, उतना लाइट हो जाएगा ताकि बहुत ज्यादा ना दिखे एक जगह पे।
ये डार्क कलर को मुझे ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के लिए मैं येलो कलर पिक कर रहा हूँ, दिस वन मैं येलो पिक कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग ब्रश से, और मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ EG013 अब मुझे थोड़ा ऑरेंज कलर पिक करना है, मुझे थोड़ा ऑरेंज कलर पिक करना है, जहां येलो एंड रेड ब्लेंड हो रहा था उधर ही मैं ऑरेंज अप्लाई कर रहा हूं। रेड कलर को मुझे थोड़ा डार्क करना है, मैं थोड़ा डार्क पर्पल ले रहा हूं रेड कलर को डार्क करने के लिए। जो कलर मैंने ऊपर लगाया है वो ही सेम नीचे लगाएंगे, और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आई बॉल पे कलर नहीं आना चाहिए। आप चाहे कोई भी कलर क्रीज एरिया में यूज कर रहे हो, बाबा ऊपर तक कोई भी कलर क्रीज एरिया में यूज कर रहे हो, आई बॉल पे नहीं आना चाहिए। मैं सेम ब्रश से सब कुछ काम कर रहा हूं, ब्रश मैंने चेंज नहीं किया, वो ही स्मॉल आई ब्लेंडिंग ब्रश, और उससे ही सारा कुछ हो रहा है। अब ये कलर को मैं ब्लेंड करूंगा थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो कलर लेके, जो कलर मैंने ऊपर अप्लाई किया है वो ही कलर मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूं। मुझे थोड़ा साइड एरिया डार्क करना है, इसलिए मैं पिक कर रहा हूं ब्लैक कलर का आई शेडो, सिर्फ साइड एरिया थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं करना है। कंसीलर लगाओ, दे मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का EG 122। मुझे थोड़ा सा कंसीलर ऐड करना है ताकि इसके ऊपर मैं कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूं तो वो ज्यादा वाइब्रेंट हो जाए और वो ज्यादा अच्छे से बैठ जाए, पिगमेंट उसका अच्छा रहे इसलिए, और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। ये कट क्रीज नहीं है लेकिन उसी टाइप का ही बड़ो फ्लैट ब्रश लुक आएगा। तो मैं अभी पिक कर रहा हूं थोड़ा सा साइड एरिया में रेड, थोड़ा सा रेड, रेड
अब रेड को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगा थोड़ा सा ऑरेंज। मैं ब्रश यूज कर रहा हूं EG056 फ्लैट आई शेडो ब्रश अब ऑरेंज को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगा येलो, सेम ब्रश है EG056। ये चाहो तो आप ऐसे मैट रख सकते हो, इसके ऊपर आप चाहो तो कोई ग्लिटर शेड भी ऐड कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का ग्लिटर पैलेट। मैं यहां से ये कलर पिक करूंगा, मैं हाथ यूज कर रहा हूं, जस्ट बहुत कम क्वांटिटी का ग्लिटर अप्लाई करना है। आप लोग ज्यादा ग्लिटर अप्लाई कर देते हो तो इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है और वो फट जाता है, तो बहुत रेयर। बहुत ही कम ग्लिटर ऐड किया हो और वो भी प्रेस ग्लिटर है, तो कोई ग्लू का जरूरत नहीं होता है प्रेस ग्लिटर के लिए, तो आराम से ये बैठ भी जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। अब यही पैलेट से मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट करूंगा। इनर कॉर्नर हाईलाइट के लिए मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का EG117 इनर कॉर्नर एंड आईब्रो बोन, ये हाईलाइट करना है मुझे। मैं यहां से पिक कर रहा हूं गोल्डन कलर का आई शेडो और देखा मुझे थोड़ा फिक्सर चाहिए अभी, मैं फिक्सर यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का ही ग्लो मी फिक्सर। मुझे थोड़ा सा ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए आईब्रो बोन पे, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फिक्सर यूज करूंगा। सी आप देख सकते हो कि नॉर्मली जितना ग्लो नहीं होता है जो फिक्सर देने पे होता है, तो आप लोग आराम से ये टेक्निक यूज कर सकते हो। आओ मैं जेल लाइनर अप्लाई करूंगा फेस पे, अब आई पे यूरोप गर्ल का ही जेल लाइनर है नाइट ब्लैक और ब्रश मैं यूज कर रहा हूं EG048। लिक्विड लाइनर के लिए नहीं आज से बोल, मैं स्मज करने के लिए यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का ही आई स्मजर ब्रश। ब्रश नंबर EG112।
একটু ড্রাই। গরম লাগছে আর কি। একটু বার করে ওখানে मुझे ये थोड़ा फिक्स करना है। कोई भी जेल लाइनर फिक्स करने के लिए आप लोग चाहे तो ब्लैक आई शेडो यूज कर सकते हो। मैं सेम ब्रश यूज कर रहा हूं। কই মুঝে তো ইনার কর্নার বড়ানা হ্যাঁ তাকা উপরে থাকা 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 উপর মে ইউজ করুঙ্গা ইউরোপ গার্ল কা লিকুইড লাইনার। লিকুইড লাইনার উসসে পেহলে মুঝে থোড়া অর এক কাম করনা হ্যায় ব্ল্যাক আই শ্যাডো। মে থোড়া ব্ল্যাক আই শ্যাডো লুঙ্গা অর ব্রাশ মে লে রাহা হুঁ EG112। थोड़ा साइड एरिया में एक स्मजी लुक देना है। नाइस। मैं यूज कर रहा हूं लिक्विड लाइनर।
মাসকারা মাসকারা मैं आईब्रो करने के लिए यूरोप गर्ल का पाउडर यूज कर रहा हूं, यूरोप गर्ल का आईब्रो पाउडर। अब मुझे आउटर कॉर्नर पे डार्क करना है और इनर कॉर्नर पे लाइट करना है, तो उस हिसाब से मैं कलर पिक करूंगा। मैं थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स करके अप्लाई करूंगा आउटर कॉर्नर पे, और ब्रश में यूज कर रहा हूं EG094। अब वो ही लाइट ब्राउन कलर अंदर के तरफ। सेम टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं यूरोप गर्ल का आई लैशेस। देखिए दी यूरोप गर्ल का आई लैशेस एंड यूरोप गर्ल का ही लैश गम, ये मैंने यूज किया है। और आप लोग जब भी ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो कोशिश कीजिएगा गम लगाने के बाद थोड़ा वेट करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं गम लगा के वो तुरंत चिपका देते हैं, तो उससे खुल सकता है थोड़ी देर बाद। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर बाद ये अप्लाई करने के लिए, तो वो आराम से चिपक जाता है। अभी चिपक गया है, मैं यूज कर रहा हूं ब्लशर किट, यूरोप गर्ल का ब्लशर किट, और इनके ऊपर मैं थोड़ा सा पीच शेड अप्लाई करूंगा। पड़े मुझे यूज करना है अभी ग्लोमी मेकअप फिक्सर, ग्लोमी मेकअप फिक्सर। हाइलाइटर यूज करने से पहले मुझे ये यूज करना है। ना छेड़े दे,
आंख बचा के, क्योंकि इससे आई शेडो एंड ग्लिटर हट सकता है। ग्लो किट मुझे करना है, यूज ग्लो किट यूरोवेल का। मैं यहां से पिक करूंगा, मैं ये कलर पिक कर सकता हूं। फिक्स कर दे, स्मॉल इतने की ब्रश। दस मिनट, दस मिनट टेन परसेंट इसका लिपस्टिक पैलेट। ओके ना, डॉट एक सादा मैं यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब गर्ल का लिपस्टिक पैलेट। लिपस्टिक ब्रश दी छे और मैं साथ में यूज कर रहा हूँ यूट्यूब गर्ल का लिपस्टिक ब्रश। वो नॉर्थ को था नॉर्थ बार कोड़ा बार कोड़ा बार कोड़ते बल विकास के বিন্দি পেন দিস না, বিন্দির জন্য সাদা ডট সাদা কালারই দে, আর রেড লিপস্টিকটা দে ইউরোপ গার্লের। मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेड लिपस्टिक यूरोप गर्ल का शेड नंबर EG22 और ये मैं बस आउटलाइन किया था, इसके ऊपर ये कलर मैं अप्लाई कर रहा हूं। देखना सामने थे सेट कर दे शैडो पहले लगेश अच्छा तो आगे बिंदी का दे नॉर्मल रेड बिंदी मिडिल हो चुके मिडिल 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 हो चुके ना कोई देखने का बाल कलर दे बाल दे ना दे जल दे जल दे भाई देखी दे हम कत ब्राइट सजाई ओ
রেড রেড চা রেড मुझे थोड़ा लिपस्टिक सेट करना है क्योंकि ये मुझे लगता है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए करना पड़ता है। मैं यहां से ही थोड़ा रेड कलर पिक कर रहा हूं। और ये मैट भी हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और आप लोगों को एक बात बताना है कि यूरोप गर्ल का जो भी प्रोडक्ट आप लोग लेंगे अभी ये यूरोप गर्ल के स्टोर में मिल जाएगा अभी यहाँ पे, और ये पूरा 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप लोग आराम से जाके ले सकते हो। अभी मुझे थोड़ा सा एक काम बाकी है जो मैं नहीं किया हूँ, वो है मस्कारा। यूरोप गर्ल का मैं मस्कारा यूज कर रहा हूँ। ऊपर तक हुआ, चोख बंद हो। लिक्विड लाइनर तो नहीं चलेगा इसमें, देना 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 तो आमी को आमी को आमी को ল্যাশ গ্লুটা দে তো, ল্যাশ গ্লুটা, ল্যাশ গ্লুটা, ঠিক আছে, দেখা যাক, বুঝতে পারবো, ছেড়ে দে। আর ইয়ে মুঝে থোড়া লাস্ট সেট করনা হ্যায় ব্রাইড কো রেডি করনে কে লিয়ে। लगते ना बड़ पड़ी दे हो जाए लुक रेडी। पड़ी दे हो गया लुक रेडी। अब लास्ट में थोड़ा सा फिक्सर और एक बार, ताकि थोड़ा ग्लो कट जाए फेस। एक्स्ट्रा ग्लोइंग के लिए इट्स ओके, ओ दिखे जाते हो तो इट्स ओके।
ओके लुक रेडी हो गया। বাবা তুই দাড়ি পড়তে পারিস উঠে, তাহলে যার দিয়ে ছবি না তারা নিয়ে নেবে। হয়ে গেছে না? থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। রাইট প্রোফাইল চলছে। থ্যাংক ইউ সো 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 মাচ সবাইকে, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওইদিকে না, ওইদিকে থাকি। পরের আর্টিস্ট আছে, আমাকে নামতে হবে। আমি কাউন্টারে যাচ্ছি। আমার ফোন, থ্যাংক ইউ সো মাচ।